यह दास्तां है उस प्रोड्यूसर की जिसकी महबूबा और बीवी बनी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत हीरोइंस में से श्रीदेवी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बोनी कपूर साहब की। इनका जन्म का नाम रहा अचल कपूर, तारीख 11 नवंबर सन 1953। इन्होंने बहुत सारी फिल्में प्रोड्यूस की और इनका ताल्लुक फिल्मी फैमिली से ही है। इनके भाई अनिल कपूर और संजय कपूर दोनों ही अभिनेता बनकर आए और उनके पिता सुरेंद्र कपूर साहब फिल्मों में जाने माने प्रोड्यूसर रहे। बोनी कपूर साहब की शादी हुई मोना शोरी कपूर से। मोना जी उस वक्त 19 बरस की थीं और बोनी 29। 13 साल ये शादी चली और इस शादी से दो बच्चे हुए, अर्जुन और अंशुला। उसके बाद इनकी जिंदगी में आ गई श्रीदेवी। बोनी कपूर की शुरुआत हुई दरअसल शक्ति सामंता के साथ। महान फिल्म मेकर शक्ति सामंता के साथ ये जुड़े और इन्होंने फिर एक फिल्म प्रोड्यूस की जिसका नाम था मिस्टर इंडिया। ये इनकी सबसे सफलता फिल्मों में से एक है। मिस्टर इंडिया वो आखिरी फिल्म थी जिसमें सलीम जावेद एक साथ लिखते नजर आए थे। हालांकि इन्होंने शुरुआत में कुछ फिल्में प्रोड्यूस की थीं, जैसे कि हम पांच, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती और अमरीश पुरी साहब बड़े ही जबरदस्त किरदारों में नजर आए थे। इन्होंने बहुत से एक्टर्स को लॉन्च किया, उसमें सबसे पहले नाम तो इनके छोटे भाई का आता है, अनिल कपूर। फिल्म याद होगी आपको, वो सात दिन। फिर प्रेम फिल्म बनाई जिसमें तबू और संजय कपूर को लॉन्च किया गया। उसके बाद आए कोई मेरे दिल से पूछे, जिसमें धर्मेंद्र साहब और हेमा जी की बेटी ऐशा देओल को लॉन्च किया गया था। फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा भी इन्होंने बनाई थी, पर यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई। इन्होंने कुछ फिल्में बनाई जो कि गैंगस्टर्स की जिंदगी से प्रेरित थीं, और फिर सन 2009 में इन्होंने बनाई वॉन्टेड, जिसमें इनके हीरो बने सलमान खान। ये एक बड़ी जबरदस्त हिट साबित हुई। वॉन्टेड के बाद तो सलमान खान ने भी पलट के नहीं देखा और बोनी कपूर ने भी। पर इनकी जिंदगी में अजब उथल पुथल मचा रहा। इनकी शादी हो गई श्रीदेवी से, जबकि ये पहले से ही शादीशुदा थे और बच्चों वाले थे। ये खबरें भी आईं कि श्रीदेवी और इनके संबंध इतने आगे बढ़ गए थे कि पीछे मुड़ना नामुमकिन था। इस शादी से इन्हें दो बच्चियां हुईं, जानवी कपूर और खुशी कपूर। इस तरह से जानवी और खुशी अर्जुन कपूर की सौतेली बहनें बनी और श्रीदेवी सौतेली माँ। यकीनन बहुत सारी फिल्में बनाने के बावजूद कुछ कंट्रोवर्सी से ये घिरे रहे और इनकी दो शादियों ने इन्हें सुर्खियों में रखा। इनकी पहली बीवी मोना शोरी कपूर का देहांत हो गया। बोनी कपूर अब भी लाइमलाइट में नजर आते हैं, कभी बेटे अर्जुन कपूर के लिए तो कभी बीवी श्रीदेवी कपूर के लिए। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।